स्टार्ट विद द गिवन, क्या दिया है देखिए, इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस द फ्लूइड फ्लो थ्रू अ मशीन एट अ रेट ऑफ 15 केजी पर मिनट। ओके, क्या लिखा है पे, मशीन में फ्लो हो रहा है एयर एट अ रेट ऑफ 15 केजी पर मिनट, ये होगा एम डॉट ए। यहाँ पे लिखा मैंने स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, तो लिख दिया यहाँ पे मैंने स्टेडी फ्लो प्रोसेस, एम डॉट ए लिखा मैंने 15 केजी पर मिनट। तो एज वी नो हमें एसआई यूनिट में करना है, तो ये लगेगा मुझे केजी पर सेकेंड में। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे सिंपली डिवाइड करूँगा बाय 60, तो जाएगा 15 डिवाइड बाय 60, यूनिट होगा इसका केजी पर सेकेंड। तो ये देखिए क्या आएगा, 15 डिवाइड बाय 60, तो ये हो जाएगा 0.24। तो ये हो जाएगा मेरा द वैल्यू ऑफ एम डॉट ए, द वैल्यू ऑफ एम डॉट ए इज इक्वल टू 0.25 केजी पर सेकेंड। ओके, क्लियर नाउ। और देखिए आगे क्या दिया है, एट द एंट्रेंस एंड एट द एग्जिट पैरामीटर ऑफ द मशीन आर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो दिया मुझे एग्जिट वेलोसिटी दिया है इनलेट पे C1 5 मीटर पर सेकेंड, V2 दिया है 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एट द एंट्री लिखा मैंने C1 5 मीटर पर सेकेंड, एट द एग्जिट लिखा मैंने C2 8 मीटर पर सेकेंड। प्रेशर 100 kPa, kPa मतलब किलो पास्कल, एंड 700 kPa, 700 किलो पास्कल। तो P1 लिखा 100 kPa, P2 लिखा मैंने 700 kPa। विद द इंटरनल एनर्जी क्या लिखा है, ओके सॉरी यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.45 मीटर क्यूब पर kg एंड 0.125 मीटर क्यूब पर kg। तो V1 लिखा मैंने 0.45 मीटर क्यूब पर kg, V2 लिखा मैंने 0.125 मीटर क्यूब पर kg। द वर्किंग फ्लूइड लीव्स द मशीन विद द इंटरनल एनर्जी 160 पर kg ग्रेटर दैन द दैट एट द एंट्रेंस, मतलब जो एंट्रेंस में था उससे वो 160 बढ़ा है। मतलब क्या, से इंटरनल एनर्जी एट एंट्रेंस था U1, ओके और मैंने लिखा U2 जो है एट द एग्जिट, तो क्या हो गया, ग्रेटर है, मतलब कितना ग्रेटर है, 160 ग्रेटर है। तो ये 160 किलो जूल पर kg ऑफ U1, तो U2 माइनस U1 इक्वल टू हो जाएगा 160 किलो जूल पर kg। ओके, क्लियर यहाँ पे, तो लिख दिया मैंने U2 माइनस U1 इक्वल टू 160 किलो जूल पर kg। और देखिए आगे क्या दिया है, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस 7200 किलो जूल पर मिनट ऑफ हीट इज लॉस्ट। ओके, 7200 किलो जूल पर मिनट ऑफ हीट इज लॉस्ट। ओके, क्या हो रहा है, 7200 किलो जूल का हीट लॉस्ट, दैट इज क्यू हो जाएगा ये, टू द सराउंडिंग अज्यूमिंग एंट्रेंस एंड एग्जिट पाइप टू बी एट द सेम लेवल, मतलब Z1 इक्वल टू Z2। कैलकुलेट द शाफ्ट वर्क, कैलकुलेट करो शाफ्ट वर्क एंड द रेशियो ऑफ द इनलेट पाइप डायमीटर टू द आउटलेट पाइप डायमीटर, दैट इज D2 बाय और सॉरी इनलेट बाय आउटलेट, तो D1 बाय D2 कैलकुलेट करें यहाँ पे। तो देखिए कंसेप्ट में यहाँ पे क्या आएगा, कंसेप्ट में आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन किया कि स्टेडी फ्लो प्रोसेस है। तो एज पर द स्टेडी फ्लो प्रोसेस हमें पता होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो एज पर SFEE फॉर्मूला होता है क्यू माइनस W इज इक्वल टू एम डॉट ब्रैकेट ऑफ डेल्टा KE प्लस डेल्टा P प्लस डेल्टा H। ये फॉर्मूला होता है जिसमें कि डेल्टा पी हो जाएगा जीरो एज सेम हाइट पे है, डेल्टा एच के लिए क्या लगेगा, मुझे यहाँ पे एंथैल्पी नहीं दिया, तो डेल्टा एच होगा मेरा CP T2 माइनस T1, डेल्टा के ई होगा मेरा C2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 यूनिट होगा किलो जूल पर kg में। ओके, तो ये कंसेप्ट हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, बट क्यू यहाँ पे क्या दिया है, 7200 किलो जूल पर मिनट, तो मुझे चाहिए ये किसमें, पर सेकेंड में। तो ये हो जाएगा 7200 डिवाइड बाय 60, तो ये आएगा 120, कितना आएगा ये 120। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। एज वी नो द शॉर्ट वर्क WSH क्या होगा, क्यू माइनस WSH इक्वल टू एम डॉट डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE, ओके प्लस डेल्टा H। ओके, तो क्यू माइनस WSH इक्वल टू एम डॉट, इसका फॉर्मूला C2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 प्लस डेल्टा PE जीरो हो गया, डेल्टा एच जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस फ्लो वर्क हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे T2 का वैल्यू में कुछ नहीं दिया है, करके मैंने इसको स्प्लिट किया दो टर्म में। एज वी नो कि क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला लिस्ट है जो मैंने आपको लास्ट टाइम शो किया था उसके हिसाब से,
ये रहा मेरा फॉर्मूला लिस्ट, ओके एस ए वी का क्या दिया यहाँ पे देखिए, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू एफ, ओके अगर नहीं दिया है डेल्टा एच के, अगर मैं ये सब डेल्टा यू डेल्टा यू एफ वर्क फ्लो नहीं है तो सी पी टी टू माइनस टी वन यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे डेल्टा यू दिया है तो हम लोग क्या करेंगे डेल्टा यू प्लस फ्लो वर्क लेंगे। डेल्टा यू क्या होता है यू टू माइनस यू वन, फ्लो वर्क होता है मेरा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ओके तो हम लोग ये कंसेप्ट से आगे जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा यू यू टू माइनस यू वन, फ्लो वर्क हो जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ओके समझा आपको ये। तो इसके आगे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो ये हो जाएगा क्यू दिया है माइनस सेवन टू डबल जीरो, ये हो गया 120 यूनिट हो गया किलो जूल पर सेकेंड, देन माइनस जीरो इज इक्वल टू 15/60 द वैल्यू इज 0.25 के जी पर सेकेंड, देन ब्रैकेट ऑफ डेल्टा के ई लिखा है सी टू का स्क्वायर माइनस सी वन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000, दैट इज क्या है सी टू 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 यूनिट होगा यहाँ पे किलो जूल पर के जी में, देन प्लस डेल्टा यू मतलब यू टू माइनस यू वन वो दिया है मुझे किसमें 160 क्या लिखा है 160 किलो जूल पर के जी में, फ्लो वर्क पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, तो पी टू कितना है मेरा यहाँ पे द वैल्यू ऑफ पी टू इज 700 लिखा है के पी एट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू आएगा वी टू, वी टू किस में है वी टू इज 0.25 यूनिट इज मीटर क्यूब पर के जी, क्या है मीटर क्यूब पर के जी, ओके तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे चाहिए किलो जूल पर के जी में इसका यूनिट चाहिए, तो देखिए मीटर स्क्वायर से ये कट हो गया क्या बचेगा किलो न्यूटन मीटर, ओके मीटर रह गया यहाँ पे ये पूरा चला गया डिवाइड बाय के जी, एज वी नो न्यूटन मीटर क्या होता है जूल, तो ये हो जाएगा किलो जूल पर के जी, किसका यूनिट पी टू वी टू का यूनिट होगा किलो जूल पर के जी, अगर मैं पी टू को पुट करता हूँ इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब पर के जी में, माइनस 100 पी वन इंटू वी वन, वी वन कितना है 0.45 अगेन सेम यूनिट ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये मीटर क्यूब पर के जी में, ओके क्लियर यहाँ पे ये हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज। तो आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है देखिए, तो यहाँ सॉरी ये तो जीरो मतलब अननोन है, ओके सॉरी डब्ल्यू एस एच, ओके ये फाइंड करना है, तो यहाँ से हम डब्ल्यू एस फाइंड करेंगे देखिए, तो पहले ये हम सॉल्व करेंगे ए साइड का, तो आएगा 0.25 ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट क्लोज 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 देन प्लस 160 देन उसके बाद ब्रैकेट ऑफ 700 इंटू 0.125 माइनस 100 माइनस 100 इंटू 0.45 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज, तो ये आया वैल्यू कितना आएगा 58.45 कितना है 58.45 यूनिट क्या होगा इसका द यूनिट विल बी किलो जूल पर के जी, क्या होगा यूनिट किलो जूल पर के जी, सब के सब मैंने किलो जूल में पुट किया करके यूनिट होगा किलो जूल पर के जी। नाउ समझा आपको ये, नहीं सॉरी किलो जूल पर के जी नहीं होगा ये भी, बिकॉज मैंने यहाँ पे 0.25 के मल्टीप्लाई किया ना, अंदर क्या था अंदर का यूनिट था किलो जूल पर के जी था, बाहर क्या था फ्लो रेट मास का एम डॉट ए का के जी पर सेकेंड था, ये के जी से ये के जी कट हो गया यूनिट आएगा किलो जूल पर सेकेंड, तो इसका यूनिट होगा 58.5 का 58.45 यूनिट होगा किलो जूल पर सेकेंड, ओके क्या होगा किलो जूल पर सेकेंड, सामने क्या है यहाँ पे माइनस 120 किलो जूल पर सेकेंड माइनस डब्ल्यू एस एच, ओके ये यूनिट और ये यूनिट क्या होना चाहिए सेम होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एस एच इज इक्वल टू 58.45 माइनस ये टर्म आएगा ये साइड बड़ी हो जाएगा प्लस हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे, तो 58.45 प्लस 120 तो ये आया आंसर कितना है 178.45 द वैल्यू इज 178.45 ओके 178.45
किलो जूल पर सेकेंड। ओके, ये रहा मेरा इसका आंसर, किसका, डब्ल्यू एस एच का, किसमें आया, नेगेटिव आया आंसर मेरा। देखिए क्या आएगा आंसर इसका, वैल्यू विल बी द नेगेटिव वैल्यू के शाफ्ट वर्क। ओके क्लियर, यहां पे आपको समझ गए ये। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर देखिए P1 कितना था 100 था, P2 कितना था यहां पे 700, तो यहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है, कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, दैट्स द रीजन यहां पे वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस डब्ल्यू एस एच, तो ये होगा शाफ्ट वर्क माइनस डब्ल्यू एस एच, बिकॉज ये क्या, इट इज अ कंप्रेशन प्रोसेस। क्या आएगा यहां पे लिखोगे, इट इज अ कंप्रेशन प्रोसेस, क्या होगा ये, दिस इज द कंप्रेशन प्रोसेस। क्लियर यहां पे क्या किया मैंने, समझा आपको। ओके नाउ नेक्स्ट है यहां पे मेरा फाइंड करना है द रेशियो ऑफ इनलेट डायमीटर टू द आउटलेट डायमीटर ऑफ द पाइप। एज वी नो फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन एम डॉट इक्वल टू A1C1 डिवाइडेड बी वन, फ्लो रेट सेम है, मास सेम जगह से फ्लो हो रहा है करके, इज इक्वल टू A2C2 डिवाइडेड बाय V2। ओके A1 फॉर एरिया एट इनलेट, C1 वेलोसिटी एट इनलेट, V1 इज अ स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट, सिमिलरली A2 एट द आउटलेट, C2 वेलोसिटी एट आउटलेट, V2 स्पेसिफिक वॉल्यूम एट आउटलेट। ओके ये मिल गया आपको, आपको m डॉट पता है कितना है वो, m डॉट 0.25 kg पर सेकेंड। नाउ आपको A1 क्या है, पाई बाय 4 D1 का स्क्वायर, आपको D दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, आपको फाइंड करना है D1 बाय D2, देन A2 पाई बाय 4 D2 का स्क्वायर, C1 पता है, C2 पता है, V1 पता है, V2 पता है। ओके देखिए यहाँ पे तो पाई बाय 4 D1 का स्क्वायर इंटू C1 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D2 का स्क्वायर इंटू C2 डिवाइड बाय V2, तो ये पाई बाय 4 और ये पाई बाय 4 गेट कैंसिल, C1 पता है, C2 पता है, वैल्यू पुट करो, ये मिलेगा आपको D1 का स्क्वायर डिवाइड बाय D2 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा C2 डिवाइड बाय C1, देन यहाँ पे V2 एज इट इज, यहाँ पे V1 ऊपर जाएगा, तो ये होगा 8 × 0.45 का लिए 5 × 0.125 द वैल्यू ऑफ V2। सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर में आएगा, बाद में इसको अंडर रूट करोगे तो ये आएगा 2.4, तो वैल्यू होगा इसका D1 बाय D2 इज इक्वल टू 2.4। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ओके ये सम का। सो कुछ भी डाउट रहा आपको यू कैन कमेंट, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।